ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पश्यति देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कलयुग में हम भगवान की शरण ले पाएंगे केवल भगवान के नाम के माध्यम से। वर्तमान की परिस्थिति जैसे है तो उस परिस्थिति में हम हमारे पास के एक एक ही विकल्प है कि हम चिंता करें मन के द्वारा या भगवान के नामों का चिंतन ले। तो वास्तव में भगवान बताते हैं कि सर्व धर्मम परित्यज माम एकम शरणम व्रज। हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण रूप से भगवान का शरण लेना है और श्री कृष्ण का शरण लेना है। शरण ग्रहण करने का अर्थ है कलयुग में भगवान के नाम के शरण ग्रहण करना। तो शरण ग्रहण करने के लिए भगवान के प्रति हमारा पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शरणागति के 6 लक्षण बताते हैं। तो पहला लक्षण है दीनता। महाप्रभु बताते हैं जिस वृक्ष की डाली पर फल उगता है वो डाली अपने आप झुक जाता है। वैसे ही जिसके फल लगता है तो झुकना चाहिए, उसका जीवन नम्र बन जाना चाहिए। जैसे कि इधर हमें देखने को मिलता है स्वयं चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के जीवन में हमें ये सब सीख मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, उनके पास क्या ज्ञान की कमी थी तो उन्होंने फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य से 7 दिन तक वेदों का श्रवण किए थे और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये सब भगवान का नित्य पार्षद है। उन्होंने दीनता भाव इस प्रकार दिखाए थे कि अपने आप को तृण से भी हीन सोच रहे थे। तो महाप्रभु का ये सब जो लीला था बस केवल जगतवासी को शिक्षा देने के लिए। और शरणागति का दूसरा जो लक्षण है वो है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का अर्थ होता है अपना जो कुछ भी है वो भगवान को निवेदन कर देना। आत्मा माने अपना और निवेदन माने अर्पण कर देना। इसका मतलब हमारे पास जो कुछ भी है वो हम भगवान को अर्पण कर देना। आत्मनिवेदन का आचार्य जो है आदर्श है बलि महाराज है। किस प्रकार से आत्मनिवेदन करना चाहिए वो हमें बलि महाराज के जीवन से शिक्षा लेना चाहिए। तो बलि महाराज के आंगन में जब स्वयं भगवान वामन रूप के रूप में पधारे थे तो बलि महाराज ने कहा था कि जो चाहिए मांग लो। तो भगवान ने बस 3 पग भूमि मांगी थी। बाली महाराज कहते हैं कि नहीं और भी आप कुछ और भी ज्यादा मांग सकते हैं। तो भगवान के 2 कदम में भी पूरे ब्रह्मांड माप लिए थे। तो बाली महाराज कहते हैं कि अब आपका जो 3रा कदम है वो आप मेरे मस्तक के ऊपर रख दीजिए। इस प्रकार बाली महाराज अपना सब कुछ दे दिए हैं और उन्होंने अपने आप को भी भगवान को अर्पण कर दिए थे। इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। और शरणागति का 3रा लक्षण है गोपतृत्व वर्जनम। इसका अर्थ होता है कि भगवान को अपना पालनकर्ता के रूप में स्वीकार करना या अनुभव करना। अर्थात रात दिन 24 घंटे हमें ये रिलेशन होना चाहिए कि मेरा जो पालन और भरण पोषण करता होता है वो ये भगवान ही कर रहे हैं। हम जो भी बिजनेस या सर्विस कर रहे हैं उतने में हमारा भरण पोषण काफी नहीं हो पाता जब तक भगवान हमें हेल्प नहीं करते। यानी कि जब तक भगवान इस धरती पर ये भाव मतलब हमें ये होना चाहिए कि हमारा जो भी है भरण पोषण वो भगवान ही कर रहे हैं ये सोच कर दिन भर हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों के पास धन बहुत हो जाते हैं तो वो धन का क्या करेंगे, वो धन को तो हम खा नहीं सकते ना। जब तक भगवान इस पृथ्वी से अन्न ना उगाए, जब तक भगवान हवा या ऑक्सीजन ना दे पानी ना दे तो हम धन को क्या करें। तो हमारा जीवन का जो पालन पोषण है भरण पोषण वो भगवान के द्वारा ही संभव है केवल। और शरणागति का 4था लक्षण है अवश्य रखिए कृष्ण विश्व से पालन।
ऐसे विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। ऐसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम भक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन हम कुछ भी होता है तो हमें डर लगता है कहीं कुछ हो जाएगा जीवन में, कहीं कुछ उथल पुथल ना आ जाए। फिर भी हमारा कितना भी भक्ति करते हैं, हम फिर भी मन में एक संशय रहता है, डर रहता है। लेकिन ऐसे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि नहीं, कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। और ये देखा गया है कि प्रहलाद महाराज के जीवन में और अम्बरीश महाराज के जीवन में, प्रहलाद महाराज को कितने बार मारने की कोशिश किया गया है, परंतु उनका दृढ़ विश्वास और भक्ति के कारण भगवान हमेशा उनका रक्षा किए हैं, और साथ ही साथ बहुत अलौकिक कार्य भी किए हैं भक्त प्रहलाद के लिए। तो शरणागति का पांचवा लक्षण है भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, अर्थात भक्ति के जो अनुकूल कार्य है उसी को ही स्वीकार करना चाहिए। छठा लक्षण है भक्ति के प्रतिकूल कार्य को त्याग देना, यानी प्रतिकूलस्य वर्जनम, अनुकूल कार्य को स्वीकार करना और प्रतिकूल कार्य को त्याग देना। ये शरणागति का 6 लक्षण। तो इस प्रकार के 6 शरणागति जहां पर होगी उसकी प्रार्थना भगवान कृष्ण अवश्य सुनेंगे। तो ये शरणागति कैसे प्राप्त होगी, भक्ति विनोद ठाकुर उनके उन्होंने एक एक भजन में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं। रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी, कांदिया कांदिया बोले आमित तो अधम, सिखाए शरण गति करो हे उत्तम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये शरणागति का भाव कहाँ से आएगा। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसे महान संतों की चरणों में दोनों हाथ जोड़कर और कांदिया कांदिया यानी रोते हुए हम प्रार्थना करना चाहिए। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक ये शरणागति हमारे जीवन में नहीं आएगी। हमारा और शरणागति में जो दूरियां हैं उसको मिटाने के लिए, ऐसे शरणागति को प्राप्त करने के लिए रूप सनातन जैसे चैतन्य महाप्रभु का परंपरा की किसी शुद्ध गौड़ीय वैष्णव भक्तों की चरणों में रोते रोते प्रार्थना करेंगे, जब जाकर उनका कृपा मिलेगा और हमारे जीवन में शरणागति का भाव आएगा। जीवन में प्रयास करना चाहिए, साथ ही साथ आचार्यों के चरणों में रोते रोते प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें शरणागति सिखाए। तो जब हमें वह उनका कृपा मिलेगा और हमारे जीवन में वो शरणागति का भाव आएगा और उसी शरणागति से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण, अगर कुछ भूल हो गई हो कृपा करके क्षमा कीजिए।